मेरी मेहनत नमस्ते भाई और उनके बहनों, मैं हूँ आपका पीएम व्लॉग्स आयुष। नया देखते हैं तो अभी अभी सो के उठा हो यार, मतलब पता नहीं आजकल नींद नहीं खुल रही। सुबह 10 बजे 11 बजे उठता हूँ, रामायण सुबह की मिस हो जाती है, पर कोई नहीं। तो आज मैं सोचा हूँ कि घर में हूँ और आप लोग भी घर में हो, तो आपको एक रेसिपी सिखाता हूँ। अब वो पिछले वाले व्लॉग जैसी रेसिपी नहीं बता रहा, सही में एक रेसिपी बता रहा, तो मज़ाक नहीं चल रहा है। तो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, तो अभी मम्मी बोली कि जो भी तेरे को सामान लाना है जो वो रेसिपी बनाने के लिए वो अभी ले आ और फिर आके नहा लेना। तो मैं बोला ठीक है चलेगा। तो अभी नहीं गया मैं, सिक्सटेन जाता हूँ। सिक्सटेन मतलब एक दुकान है मेरे घर के पास, तो वहाँ पे मैं अभी सामान लेने जाता हूँ, आप भी चलो। ठीक है चलो लेट्स गो। तो अभी अभी ये मम्मी ने सामान लिख के दिया क्या क्या लाना है। तो मैं एक बचपन की कहानी बताता हूँ। मैं जब बच्चा था तब मैं सामान लेने जाता था, वो तो सभी जाते होंगे, पर मैं जाता था और मैं गया और वहाँ पे ही भूल जाता था क्या लाना है। तो फिर मैं वापस से घर पे आता था, मम्मी से पूछता था क्या लेना है और फिर वापस से दुकान जाता था। मतलब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट अगर बाहर जाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है मास्क। मस्ट मतलब पहन के जाया करो गाइस प्लीज़, मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रहती है ना, कहते हैं ना ऐसे लोग। तो ये मास्क पहन के बोलने में कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं। और ये जो मास्क है ना, उसमें सांस लेने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ जाती है, पर ठीक है यार, मतलब सेफ्टी भी होना ही ना, तो इसलिए पहन भी लो। पैसे लेना इम्पोर्टेंट है, पूरी प्रोटेक्शन के साथ चलते अपन, बस चप्पल पहनता और चलते हैं, लेट्स गो। ये जो चप्पल फटी हुई देख रहे हो ना, ये वाली, ये कुत्ते ने फाड़ी थी। मैं डंडा कहीं बाहर लेके जाता हूँ ना, तो लोग बहुत देखते हैं मेरे को और ऑब्जर्व करते हैं कि लड़का कर क्या रहा। लोगों को देखो कैसे दूर से खड़े होके वो दुकान से सामान ले रहे, अच्छी बात है। एक मैरीगोल्ड का पैकेट और दो ऊनों के पैकेट। मैरीगोल्ड किसी भी कंपनी को होगा देख के देते हैं, तेरे डिमांड के हिसाब से माल नहीं मिलता आजकल। अब घर जाके सीधा नहाना पड़ेगा, मम्मी ने पहले ही बोला था कि दुकान से आएगा तो सबसे पहले नहाएंगे, कर लेंगे एक कोरोना के लिए क्या होता है। तो अभी मम्मी ने डेटॉल का दिया है सब पूछने के लिए। चॉकलेट को भी धोना पड़ रहा, बोलो। तो ये सब चीजें अब धूप में रखने का समय आ चुका है, क्या दिन आ गए, मतलब सोचो तो। अब मोबाइल को भी पोछता और मैं नहा के आता, फिर बात करता, ठीक है बाय। 2 hours later आइए शुरू करते हैं केक बनाना। पता नहीं अब वो केक कैसा बनेगा, लेकिन ट्राई करते हैं। तो आइए केक बनाते हैं और मज़ा आएगा। तो सबसे पहले केक बनाने की क्या क्या चीज़ें लगती है अपने को, पहले वो सब एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कैसे कैसे केक बनाना। तो केक बनाने के लिए दो टाइप के बिस्किट लगेंगे, पहला वाला जिसमें मैदा रहता है और दूसरा वाला जिसमें चॉकलेट फ्लेवर रहता है। और अभी अपन लेंगे बेकिंग पाउडर, फिर अपन लेंगे एक छोटी सी कटोरी में दूध। बस इतनी चीज़ों से आज अपन बनाएंगे केक। और आज मैं दूसरी बार बना रहा हूँ ये केक, बैठे बैठे भी क्या करें, इसलिए बना लेते कुछ ना कुछ, टाइम पास भी हो जाएगा और केक भी बन जाएगा, खाने को भी मिल जाएगा, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले एक गंजी लेंगे, उसमें अपने पूरे जितने भी बिस्किट है ना वो सब निकाल लेंगे और उसको क्रश करेंगे। देखो पूरा चॉकलेट ही चॉकलेट हो गया, कम हो गया लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कम सा बन गया, पता नहीं मैंने बिस्किट कम डाले और दूध एक कटोरी डाला तो थोड़ा सा कम बन गया, कोई नहीं दूध डाल के और बढ़ा लेंगे। तो ये अच्छे से बन गया, अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बैटर बना है। ऑल राइट, अभी ये इसमें अपन बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 teaspoon। तो
तो अभी जो है बैटर है वो अच्छे से पूरा मिक्स हो गया है और मस्त लग रहा है। बहुत सही लगेगा शायद से। तो अभी क्या अपन ये जो पैन है, केक पैन बोलते हैं इसको, तो इसमें ऑयलिंग कर लेते हैं और फिर ये जो बैटर बनाया अपन ने वो अपन पैन में डाल देंगे। तो अपना ये जो है इसमें डाल दिया, थोड़ा सा कम बना है, मैं अकेला ही हूँ खाने वाला तो इसलिए कम ही बना है। तो नहीं क्या अब ओवन में रख देते अपन और 40 मिनट्स बाद आके देखते हैं कैसा बना। तो अभी अपन ने रख दिया इसको रेडी होने के लिए, अब नहीं क्या अपन 40 मिनट्स बाद मिलते हैं और देखते हैं कैसा बना है। A few minutes later. सो फाइनली अपना केक बन चुका है। अब नहीं क्या आप इसका थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट्स देखो, बड़ा मजा आएगा कि इतना बढ़िया केक बनाया। हंसोगे लेकिन चलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया केक बनाया मैंने। तो यार मैंने दूसरी बार बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। तो अभी भी खा के देखते रबरा पैटीज लग रहा। तो मैं भकाक से खा लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ इसके बारे में। ठीक है, बाय। कमेंट करके बताना मेरे को कि केक कैसा बना। और बाय द वे टेस्ट बहुत बढ़िया था, सबने तारीफ की। उसका थोड़ा सा नहीं क्या शेप बिगड़ गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो ये वाली वीडियो यहाँ तक की। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो मीट यू नेक्स्ट व्लॉग, गुड बाय।